अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास फोर्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 हाउ ओल्ड इज़ मुत्ता जी, इस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी को हमने पूरा पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर आज हमारा सबसे पहला होगा आंसर इन ब्रीफ, ठीक है, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 7 पे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, वाई वेयर पोता एंड पोती इन मैसूर, ठीक है, यानी कि वो दो जुड़वे थे, पोता और पोती, वो मैसूर में क्यों आए थे। तो फिर इसका आंसर हमें कुछ इस तरह से, द ट्विन्स वेयर इन मैसूर टू सेलिब्रेट मुताजी बर्थडे, वो जो दो बच्चे थे, ठीक है, यानी कि वो जो दो जुड़वे थे, कौन, पोता और पोती, वो मैसूर इसलिए आए थे क्योंकि उनकी दादी, ठीक है, यानी कि मुताजी का बर्थडे था। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाट वर दी क्लीन ट्रेन मेंशन बाय मुताजी, ठीक है, जो मुताजी ने क्लीन ट्रेन का जिक्र किया था वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन, वाई वेयर दी टिविन सो सरप्राइज टू हियर अबाउट पीपुल्स गेटिंग डर्टी वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो फिर वो जो दो बच्चे थे जुड़वे, उनको हैरानी क्यों हुआ जब उन लोगों ने सुना कि जब हम ट्रेन से सफ़र करते थे तो हम गंदे हो जाते थे। ठीक है, ये जब बात सुने तो फिर वो दोनों हैरान क्यों हुए। तो फिर इसका आंसर कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी कि पहले हम पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के आंसर को, यानी कि जो मुताजी ने क्लीन ट्रेन का जिक्र किया था वो क्या है। दी क्लीन ट्रेन विच वॉज मैंशन बाई मुताजी वेयर दी इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, यानी कि जो क्लीन ट्रेन का मुताजी ने जिक्र किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, यानी कि जो बिजली पे चलता है वो वाली ट्रेन की बात कर रही थी मुताजी। अब वो जो दो जुड़वे थे वो हैरान क्यों हुए जब उन लोगों ने सुना कि वो लोग गंदे हो जाते थे जब ट्रेन से सफ़र करते थे। द ट्विन्स वेर सरप्राइज टू हियर दैट पीपल यूज टू गेट डर्टी वाइल ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन बिकॉज दे डिडेंट नो अबाउट द ओल्ड ट्रेन्स दैट यूज टू रन ऑन कोल, ठीक है, यानी कि वो जो दो जुड़वे थे वो हैरान इसलिए हुए थे क्योंकि उन लोगों ने पहली बार सुना था कि कोई लोग जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने ज़माने के ट्रेन्स हुआ करते थे वो किस पे चलते थे, कोयला पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग गंदे हो जाते थे। ठीक है, तो फिर बच्चों ने ये सुनकर उनको थोड़ा सा क्या हुआ, अजीब सा लगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है, अ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन हैड कम टू विजिट इन आवर महाराजा गॉट अ गोल्ड मेडल, ठीक है, यानी कि ये हमें बुक में से एक पैराग्राफ यानी कि एक सेंटेंस बोला हुआ है, जो कि बोला हुआ है यानी कि ब्रिटिश से एक किंग और क्वीन आए थे, ठीक है, और हमारे महाराजा को उस टाइम एक गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, अब हमें इसी सेंटेंस को लेकर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच ईयर डिड दिस हैपन, ये जो इस लाइन में जी ये गोल्ड मेडल की बात कर रहा है ये कब हुआ था, ठीक है, यानी कि ये कब मिला था। तो फिर वो जो ब्रिटिश किंग एंड क्वीन थे वो लोग कब आए थे, इन 1911, ठीक है, यानी कि वो लोग 1911 में आए थे। अब इसी तरह इसी के बी पार्ट वाला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश किंग मेंशन हर हियर, ठीक है, यानी कि वो जो ब्रिटिश किंग था वो कौन था, हमें उनको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है, और उस ब्रिटिश किंग का नाम क्या था, किंग जॉर्ज वी, ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि जो ब्रिटिश से आया हुआ किंग था वो कौन था, किंग जॉर्ज वी था। अब इसी का सी पार्ट वाला, वाई डज द स्पीकर रिफर टू महाराजा एज अवर महाराजा, तो फिर ठीक है, यानी कि जो ये स्पीकर है यानी कि मुताजी जो है उसने महाराजा को अवर महाराजा यानी कि हमारा महाराजा कहकर क्यों पुकारा, यानी कि क्यों बोला ऐसा। ठीक है, द स्पीकर रिफर टू महाराजा एज अवर महाराजा बिकॉज द महाराजा वॉज द किंग ऑफ मैसूर, यानी कि जो स्पीकर थी, स्पीकर कौन है, मुताजी, ठीक है, मुताजी ने उस महाराजा को
इस अवर महाराजा यानी कि हमारा महाराजा इसलिए कहा था क्योंकि वो जो महाराजा था वो उस ज़माने में मैसूर का किंग था, ठीक है। यानी कि अब ये मुताजी कहाँ पे रहती थी, मैसूर में। तो फिर उस जगह का राजा था, तो फिर वो क्या बोलेगी उसे, हमारा महाराजा, ठीक है। तो फिर उसने बोला था अवर महाराजा। ये है हमारा क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला हमने कर लिया। कल हम फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।